everyone, this is Afrin Sheikh and welcome back to my channel. So I'm back with the another vlog. So आज जो मैं बताने वाली वो है how to clean your teddy bear. आप अपने teddy bear को कैसे clean कर सकते हो, और जबकि मेरा teddy bear without zip का है. You can see इसमें zip नहीं है, और अगर आपका teddy bear zip वाला है तो फिर उसका अलग प्रोसेस रहता है. मीन्स कि उसके अंदर के कॉटन्स पूरे निकाल दिए जाते हैं और फिर वो ऊपर का जो है वो वॉशिंग मशीन में कैसे भी क्लीन कर लिया जाता है. लेकिन इसका जबकि इसमें जिप नहीं है तो मैं इसको कैसे क्लीन करूंगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगी. अगर आप भी टीनेजर हो मेरी तरह, अगर आपके भी घर में ऐसा वाला टेडी बियर है तो बहुत ज्यादा अगर गंदा हो गया है तो फिर आप उसे, मैं जो तरीके से बताने वाली, ऐसे बहुत सारे वीडियोज मैंने यूट्यूब पे देखे, लेकिन जो मेरा वे है वो बहुत ही ईजी होने वाला है. एक सोप से मैं पूरा क्लीन करूंगी इसे. मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो देखेंगे वो भी कि मतलब क्या होता है ये वीडियो में, वो तो आपको एंड तक पूरा देखना पड़ेगा. अदरवाइज बहुत क्लीन था. जब मैंने मॉल से इसे ली थी, जावेद ने मुझे दिलाए थे, तो तभी देखो अभी मैंने आज ही इसका ये निकाली हूं. सी आज ही मैंने ये निकाली इसके गियर में से. बहुत ज्यादा डर्टी हो गया क्योंकि ना जब मैंने मॉल से लेकर आई थी तो उन्होंने जो प्लास्टिक में दिया था वो प्लास्टिक है ना कुछ यहाँ एक साइड से, हाँ कहीं कहीं से फटी हुई थी, तो उस वजह से ना वो धूल वगैरह उसके अंदर जम गई. जैसे कि मेरा जो घर है इंडस्ट्रियल एरिया के पास है तो बहुत ज्यादा डर्ट्स आती है, तो बालकनी में भी अगर मैं इसको ड्राई करने के लिए रखूंगी धूप में, वैसे तो धूप कड़क निकलती है आफ्टरनून में, तो देखेंगे वो तो सूख ही जाएगा, धूप का कोई टेंशन नहीं है. लेकिन अब इसे क्लीन करना बहुत ही ईजी वे में है तो आप लोग देखना आगे. और उसके अलावा मेरे पास एक सॉफ्ट टॉयज, ऐसे तो और भी डॉल्स हैं अंदर, बट वो उनका कोई ऐसा मैटर नहीं, वो हमेशा अंदर ही रहते कबर्ड में. लेकिन ये जो दो है ना, मैं ये दो बाहर ही रखती हूँ. ये तो मेरा फेवरेट है, ये भी फेवरेट है, तो ये वाला ज्यादा डर्टी नहीं हुआ है. यू कैन सी ये क्लीन है, तो मैं इसको कभी बाद में जो है क्लीन करूंगी जो ज्यादा डर्ट इसमें आ जाएगी. वैसे तो पूरा क्लीन है एज यू कैन सी, तो इसीलिए ये वाला क्लीन नहीं करूंगी, सिर्फ ये करूंगी. और ये बहुत बड़ा मोटा है तो इसे कोई वॉशिंग मशीन में तो बिल्कुल नहीं डालेगा, मैं कभी नहीं डालूंगा. ये सब इसकी बुराई कर रहे हैं घर में कि बहुत गंदा हो गया है, ऐसे दिख रहा है, वैसे दिख रहा है, कितना गंदा है, ची 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 ची. तो इसीलिए मैं इसके बारे में अभी एक शब्द नहीं सुनने वाली और इसको करने वाली हूँ क्लीन, और सबके मुंह इसको मैं करने वाली क्लीन. आप लोग आगे देखो कि मैं कैसे करने वाली हूँ. सो लेट्स सी एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड.
कर ली हूँ मैंने इसको, एज यू कैन सी पूरा अच्छे से क्लीन हो गया ये, एंड अब कहीं पर भी ये गंदा नहीं दिख रहा, अब कोई इसको पूरा कुछ बोलेगा नहीं। तो हो चुका है पूरा क्लीन। अब मैंने इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बिठा दी हूँ बकेट के ऊपर, ताकि थोड़ा जो पानी है वो निथर जाए, और उसके अलावा फिर मैं इसको स्टूल पर बाहर बिठा दूंगी बालकनी में, जो कि धूप बहुत ज्यादा है बाहर इसलिए। और अभी मैंने इसको यहाँ पे बिठा दी हूँ बालकनी में, एज यू कैन सी। आप लोगों ने देखा ना कितना अच्छे से नहला रही थी मैं इसको, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे वॉश किया। मैं बहुत डर रही थी कि कैसे वॉश करूंगी कैसे नहीं, क्या पता कभी कुछ हो गया कुछ भी कुछ हो गया, लेकिन कुछ नहीं, ये सब मेरा डर था। बाकी मुझे अच्छा लगा पूरा वॉश करने के बाद, मेरा टेडी बियर बहुत ज्यादा क्लीन दिख रहा है, और आप लोग देख रहे हो कितनी रोशनी आ रही है सूरज की, कितनी ज्यादा सनलाइट से। तो ये सब मेरा जो हुआ है ना, ये सनटैन ही हुआ है, तो ऐसे ही अब आ गई है धूप। जब से धूप थी नहीं, तो अभी जस्ट आई है धूप। तो ड्राई होने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसको कोम करके हमें पूरा सेट करना है, तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ मैंने कैसे बिठाई है उसको। ओके, तो मैंने इसको इस तरह स्टूल पे बिठाई हूँ। बकेट्स तो मैंने ऐसे ही रखी हूँ नीचे, बट बकेट्स अभी हटा दूंगी क्योंकि बालकनी में पानी गिरेगा और धूप पूरी आप लोग देख रहे हो पूरा इसके ऊपर है, तो बस सूख जाएगा ये जल्द से जल्द। अब ये जब सूखेगा तब सूखेगा। वैसे ये जो आप लोग देख रहे हो ना हेयरबैंड, ये मैंने लिया है हाजी अली से, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं इसे ऑनलाइन लेने वाली थी, बट ऑनलाइन पे ना कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है, और मुझे वही चीज़ 30 रुपीज़ में मिली है, 30 रुपीज़ में। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये, तो अब वेट करते हैं, मिलते हैं इसके ड्राई होने के बाद। ओके ओके गाइस, सो थोड़ा बहुत तो सूख गया मेरा टैडी, तो मैं सोच रही कि इसे मैं कोम कर लेती हूँ, तो फिर इजी होगा बाद में। सब हम लोग इसको कर लेते हैं कोम। ओके, तो बस इसे नॉर्मली ऐसे कोम कर लेना। मैं ये जो छोटे वाले इसके टीथ है ना, मैं यहाँ से कर रही हूँ, तो ये देखो ये ज़रा अच्छा लगता है ऐसे, जैसे इसके हेयर थे ना उसी तरह हमें इसे कोम करना है। सो यू कैन सी कितना क्लीन दिख रहा है ना ये। ऐसा कुछ नहीं, अगर हाँ कोम नहीं भी करेंगे तो मुझे नहीं लगता कुछ इतना खराब लगेगा, बिकॉज ये है टैडी और टैडी कभी खराब नहीं लगते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा वीडियो और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। ओके गाइस, सब कोम तो मैं कर लूँगी, ड्राई भी हो जाएगा और ऑलमोस्ट मेरा पूरा तो हो ही चुका है काम। सो यही था मेरा वीडियो जिसमें मैं आपको बहुत ही इजी वे बताने वाली थी, और इसके अंदर सिर्फ आपको एक सोप लगने वाला है। कोई सा भी सोप ले लो आप, जिससे आप नहाते हो, और डेटॉल भी ले सकते हो, डेटॉल ज़्यादा बेटर होगा आई गेस। तो आप कोई सा भी सोप ले लो जो आपका फेवरेट हो, तो आप उससे ऐसे क्लीन कर सकते हो, और कोई चीज़ें लगने वाली नहीं है। सो बस यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आप ऐसा क्लीन करते हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और हाँ, किस किस के पास ऐसा विदाउट जिप वाला टेडी बियर है वो भी बताना मुझे, और ऐसा ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही ईजी वे है। ओके, सो यस, कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो,
वीडियो को लाइक और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ अगर आपने टेडी बियर दिला के रखा है तो, और अपनी फैमिलीज में किसी के पास होगा तो सो वही। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करने के बाद उसी नोटिफिकेशन बेल के ऊपर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना ताकि आपको ऑल नोटिफिकेशन मिले। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।